घर में होली का जलाने के लिए उसको पहले प्रिपेयर हैं, तो पहले हमारे यहाँ पूजा होती है तो इसको तैयार किया जा रहा है, और इसके बाद हम शाम को सब के होलिका जलाते हैं। मेरी बेटी अपनी दादी को बहुत परेशान करती है, डांस कर रही है, मस्ती करते रहते हैं, हम सबको मिलके पूरा घर साथ में मिलके होलिका जलाते हैं। ढंग से जीता हो ना, उनको जीता। अंदर नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं। हमारे मॉर्निंग में ही होली स्टार्ट हो जाती है, और मैं नीचे काम कर नहीं आ पाई थी, तो आधी होली हो चुकी थी ऑलरेडी, सबके कपड़े फट चुके थे, मस्ती का टाइम था उस टाइम, तो मैं नहीं आई, बट मैं आई मिड ऑफ द टाइम। तो फिर हमने खूब मस्ती की दोबारा से, और सब ने पिछड़ा तोड़ी फोड़ी, अंडे फोड़े, बाबा अंडे तो सबके सर में फोड़े गए। बहुत मस्ती हुई, फुल मस्ती, गाना बजाना सब कुछ हुआ, सबको भी मतलब ऐसी मस्ती थी ना कि ऐसा लगा कि बिना पिए, मतलब इतना पी रखी है सबने, बट बिना पिए ही सबकी ऐसी मस्ती चल रही थी कि कपड़े भी थे सबके, आप खुद ही देख रहे होगे किस तरह से। फिर हमने पूरी मस्ती की, मज़ा किया, डांस किया, खाए पिए ऊपर ही, और क्या कहते स्मोक वाला, ये कलरफुल वाला होता है, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। फिर हमने ये सारा खूब जलाया, खूब सारी वीडियोस बनाई, और मेरी जिठानियाँ भी थीं, मेरी सास भी, नानी भी, सभी कोई थे। तो हमारा इतना बड़ा परिवार है, हम सब इकट्ठा हो जाते हैं तो हमें बाहरी वालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हमारे घर में इतने सारे लोग हैं। हम मतलब बच्चे ही हमारे घर में 18-19 बच्चे ही हैं, हम इकट्ठा हो जाते हैं तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि सिर्फ 18-19 बच्चे हैं, फैमिली कितनी बड़ी होगी। ये मेरी बीच वाली नीस है, और उसको कलर से थोड़ा एलर्जी है, थोड़ा वो डरती है, उसको कलर नहीं लगाया। बाकी हम सब ने खुद आपस में खूब मस्ती की, पकड़ पकड़ के रंग लगाया सबको।